आपने बिल्कुल ठीक कही है, मैं किसी बात को दोहराऊंगा नहीं। एक तो हम पूरी तरह से आपके साथ सपोर्ट करते हैं, और मेरा मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि जब तक कोई स्टेक होल्डर को शामिल किए बगैर वो कोई भी इस किस्म का डिसीजन लेंगे जिससे इंडस्ट्री को और मुल्क को नुकसान होगा, तो एज ए फेडरेशन हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम इस किस्म के डिसीजन को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। जो ये डिसीजन उनका है, सबसे पहले वो हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाएं, हम अपनी सब तमाम जो सिफारिशात और सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे और फिर इस किस्म की चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने देंगे। अगर ये इसी तरह से जिस तरह ये आज कराची और इन्होंने ये डिसीजन किया है, और पिछले दौरे हुकूमत में भी हमेशा स्टेक होल्डर को और फेडरेशन और बाकी सब चैम्बर्स को ये शामिल किए बगैर यक तरफा तौर पर ये करते आए हैं जिसका नुकसान मुल्क को, इंडस्ट्री को और हर एक को होता है, हम इस किस्म की किसी चीज में इनके साथ शामिल नहीं होंगे। और जब तक हमें बुला के सुना नहीं जाएगा, हमारे साथ डायलॉग होके चीजों को एमिकेबली जो है वो नहीं किया जाएगा, हम इस किस्म की सारी चीजों को बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, और हम मुकम्मल तौर पे आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। कराची पाकिस्तान है, कराची की इंडस्ट्री और उसके साथ नाइंसाफी होगी तो मैं समझूंगा कि ये मुल्क के साथ दुश्मनी और नाइंसाफी है। थैंक यू सो मच।